नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल बेबीज वर्ल्ड इंडिया में। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे कॉन्फिडेंट रेज हो, सारी बेस्ट क्वालिटीज उनमें हो। तो इसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो एक अच्छी पेरेंटिंग में हमको एज ए पेरेंट बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो करते हैं, जो बच्चे हमें करते हुए देखते हैं या जो बिहेवियर हम उनके साथ करते हैं, उससे वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो आइए उसी चीज पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज, बच्चे के सामने कभी किसी की शिकायत नहीं करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने इन लॉज से प्रॉब्लम है तो उनकी शिकायत हस्बैंड के पास, या फिर आपको अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम है तो उनकी शिकायत अपने फ्रेंड के पास, या फिर कभी कभी शिकायत नहीं, बस ऐसे ही उनके साथ जो अनबन हुई होती है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। देखिए, ये आपका बिल्कुल पर्सनल मैटर है कि आप किससे क्या बात करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के सामने ये बात मत करिए। आपको लगेगा कि बच्चा खेल रहा है, बच्चे को पता नहीं चल रहा है हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जो बातें चलती रहती है, सब कुछ बच्चे के कान में जाता रहता है। और आपको नहीं पता है कि छोटी छोटी बातें भी कई बार बच्चों के दिमाग में कितना बड़ा घर कर लेती हैं। ओवर द टाइम अगर वही चीज बच्चा सुनते आ रहा है, तो उसके दिमाग में उस एक पर्टिकुलर इंसान के प्रति क्या पर्सनैलिटी उसकी बन रही है, जिसके बारे में आपने बच्चे से तो कभी कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन उसके सामने हमें हमेशा उनकी जो बैड क्वालिटीज हैं, उनकी जो बुराई है, वो करते आ रहे हो। तो इस चीज का ध्यान एज ए गुड पेरेंट हमें जरूर रखना चाहिए कि बच्चे के सामने कभी भी किसी की शिकायत ना करें। दूसरी चीज, अगेन, बच्चे की जो टीचर्स होती हैं, उनसे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, वो जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, या फिर आपको उनसे कुछ डिस्कस करना है, कुछ बात करनी है, तो आप बच्चे के सामने मत कहिए कि तुम्हारे टीचर को तो कुछ आता नहीं है, तुम्हारे टीचर ने ऐसा कैसे बता दिया। हो सकता है कल को वो स्कूल में जाके बोलते टीचर को तो कुछ आता नहीं है, कल को टीचर कुछ पढ़ाएगी और वो उस चीज पे ध्यान नहीं देगा। तो अगर आपको बच्चे के टीचर से, स्कूल में किसी से कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपको जाके स्कूल में टीचर से बात करनी चाहिए, ना कि बच्चे के थ्रू कन्वे कराना चाहिए, और साथ ही ना तो बच्चे के सामने इस तरह की कोई बात करनी चाहिए। तीसरी चीज, बच्चे शरारत करते रहते हैं, वो उनका लर्निंग फेज है और ये उनका इनहेरेंट सा नेचर होता है बच्चों का। वो शरारत के थ्रू बहुत सारी चीजें सीखते हैं। डेफिनेटली हमको एक चेक रखना होता है कि क्या चीजें उनके लिए सही है, क्या चीजें गलत है, लेकिन शरारत में कई बार बच्चे बहुत ऐसी चीजें भी कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए आप बच्चे को समझाओ, बच्चे को बताओ कि उन्हें क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर पब्लिकली बच्चा कुछ बदमाशी करता है, गलती करता है, तो आप वहां से नॉर्मली उसे समझा के ले आए, ना कि पब्लिकली बच्चे को डांटने लग जाए जहां पे उसके दोस्त लोग हैं, या फिर मोहल्ले के और नेबर्स हैं, या फिर 10 और लोग हैं, उनके सामने कभी भी बच्चों को डांटे नहीं। इस तरह करने से बच्चे पे आपकी बातों का पॉजिटिव की बजाय निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बच्चे को लगता है कि आपने उसका इमेज, उसकी प्रेस्टीज उनके दोस्तों के सामने, नेबर्स के सामने, या फिर टीचर के सामने, या फिर रिलेटिव्स के सामने खराब की है, और ये वाली जो फीलिंग है ना, बहुत ही खतरनाक होती है आगे चल के। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। कई बार गेट टुगेदर वगैरह में भी पब्लिकली बच्चे कुछ अजीबोगरीब हरकत कर देते हैं, कुछ गिरा देते हैं, कुछ तोड़ देते हैं। देखिए, सबके सामने डांटने से अगर कोई चीज टूट गई है, तो वो जुड़ नहीं जाएगी। यकीन जानिए, अकेले में अगर आप इस तरह से समझाएंगे, तो बच्चा आपकी बात सुनेगा भी, समझेगा भी, और आगे उस गलती को दोहराने से पहले सोचेगा भी। लेकिन अगर आप दूसरों के सामने बच्चे का इमेज खराब करेंगे, तो धीरे धीरे फिर बच्चे हमारी बात मानना बंद कर देते हैं। चौथी चीज, कभी भी बच्चे को झूठ बोलने के लिए नहीं कहें। आप बोलोगे कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को झूठ बोलने के लिए क्यों बोलेगा? क्या होता है, कई बार फोन आ जाता है और हम बोल देते हैं जाके बोल दो कि मम्मा घर पे नहीं है, या फिर आप कुछ और काम कर रहे होते हो और बोल देते हो, बोल दो मम्मा बिजी हैं, या आप सो रहे होते हो, आपको उस वक्त किसी से बात नहीं करनी होती है, और बोल देते हो कि ठीक है मम्मा बाहर है। तो ये एक लेसन हुआ बच्चे के लिए कि अगर हमें किसी चीज से एस्केप करना है, तो हम झूठ बोल के उस चीज से बच सकते हैं। इस चीज को कभी मत करिए। और सिमिलरली, या फिर घर पे आपको कोई ढूंढने आता है, तो आप बोल देते हो, नहीं जाके बोल दो पापा घर पे नहीं है, या मम्मा घर पे नहीं है। तो ये चीज कभी भी प्रमोट मत करिए बच्चे को। इस तरह के छोटे मोटे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और आप किसी वजह से नहीं जा पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका कुछ और अनअवॉइडेबल कमिटमेंट है पहले से, तो आप टीचर से खुल के बात करें, टीचर को मेल करें, मैसेज भेजें कि हम नहीं आ सकते हैं इस दिन, ना कि आप बच्चे को उस दिन जाके बोलने के लिए बोलो कि मम्मा की तबीयत खराब है, या फिर डैडी की तबीयत खराब है, इस तरह का कोई बहाना। कि जो चीजें बच्चे हमें करते हुए देखते हैं, ओवर द टाइम वही वो सीखते हैं, और वही लॉन्ग लाइफ उनके लाइफ स्टाइल में रहती है। और पांचवी चीज, कभी भी आप अपने बच्चे की तुलना किसी और बच्चे से नहीं करें, चाहे वो उसका खुद का सिबलिंग हो, कजिन हो,
आपके नेबर का बच्चा हो, आपके ऑफिस कलीग का बच्चा हो या फिर उसका कोई फ्रेंड हो, कभी भी एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से नहीं करें और ये शुरुआत आपको करनी है डे वन से। उसके बच्चे ने इस एज में बोला था मेरा बच्चा 2 महीने बाद क्यों बोल रहा है, 2 महीने बाद क्यों बैठ रहा है, 2 महीने बाद क्यों चल रहा है, उसके बच्चे के मैथ्स में इतने मार्क्स आ गए हमारे बच्चे के नहीं आए, देखो तो उसके इतने मार्क्स है तुम्हारे नहीं आए। इस तरह की जब तुलना करते हैं ना कि उसके इतना मार्क्स आ गया और तुम्हारे क्यों नहीं आया, तो बच्चे पे तो पॉजिटिव इफेक्ट इसका कुछ पड़ता नहीं है, उल्टा एक निगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ता है कि मम्मा को या डैडी को वो बच्चा ज्यादा पसंद है मेरी तुलना में, और कहीं ना कहीं हम एक निगेटिविटी उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए अपने बच्चे के मन में डाल रहे होते हैं जिनसे हम उनकी तुलना कर रहे होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें और आप अपने बच्चे के लिए हमेशा उसका बेंचमार्क सेट करें। हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, हर एक बच्चे का अपना लर्निंग पेस होता है, हर एक बच्चे की अपनी लर्निंग कैपेसिटी होती है, बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं। इस पे कभी बाद में किसी वीडियो पे बात करेंगे या फिर कभी लाइव आऊंगी तो बैठ के बात करेंगे इस टॉपिक पे। लेकिन देखिए हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, जेनेटिक भी होता है, सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। स्कूल में भी कभी भी बच्चे को रिजल्ट के बाद किसी और से कंपेयर नहीं करें। जो भी आपको एक्शन लेना है, बच्चे को पढ़ाना है, उस चीज पे काम एग्जाम के पहले करें, ना कि रिजल्ट के बाद उनको कंपेयर करें कि तुम्हारे ऐसा रिजल्ट क्यों आ गया है, तुम तो किसी काम के नहीं हो, किसी लायक के नहीं हो। इस तरह की बातें हमें कभी भी अपने बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। अगर किसी वजह से बच्चे का कोई भी रिजल्ट वगैरह खराब होता है, डाउन होता है, तो उस पर बैठ के बात करें, उसको समझाएं कि आगे के फ्यूचर में उसे कैसे अफेक्ट करने वाला है इस तरह का रिजल्ट, उसे क्या करना चाहिए, उसे बात करें कि कहाँ लैग बिहाइंड हो रहा है। और बच्चे से खुलकर बात करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है गुड पेरेंटिंग का। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा बेबीज वर्ल्ड इंडिया को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और कर लिया है तो थैंक यू सो मच। आपके सजेशंस और वैल्यूबल फीडबैक का कॉमेंट सेक्शन में मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।